राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी सिक्स सेमेस्टर के बॉटनी के क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ। जो बॉटनी का आपका फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनोटेक्नोलॉजी, उसके ऑलरेडी दो या तीन लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बताया है, सेल वॉल के बारे में बताया है। आशा करती हूँ कि ये दोनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, ताकि बाद में आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो हमारी सेल होती है, ठीक है, ये आपकी सेल है, ठीक है। सेल के बाद एक दूसरी लेयर पाई जा सेल के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो दूसरी लेयर आती है उसे हम क्या कहते हैं, PM यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम दूसरी लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, क्योंकि सेल की ये मेम्ब्रेन होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री में हम ये चीज़ें जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की, ये टर्म किसने दिया, प्लाज्मा लेमा टर्म किसने दिया, इसके कुछ मॉडल्स हैं उसके बारे में किसने बताया, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो चलिए हिस्ट्री में हम जानते हैं। अगर हम बात करें टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो एक साइंटिस्ट आए पेफर, इन्होंने बताया कि ये जो सेल वॉल के अंदर की एक लेयर है, उसे हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसी को सेल मेम्ब्रेन नाम दिया, नागेली एंड क्रैमर ने इसे सेल मेम्ब्रेन कहा, और इसी को प्लाज्मा लेमा नाम दिया, जेके प्लावर नाम के एक साइंटिस्ट आए उन्होंने। अब हम जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, तो इसके कई सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला मॉडल आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। मतलब इसके हिसाब से जो हमारा प्लाज्मा था, वो सिर्फ और सिर्फ एक लेयर का बना था, ठीक है, सिर्फ एक लेयर का बना था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट, उनका नाम था रॉबर्टसन, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री के बारे में बातें थी इसके, जो आपके लिए जानना जरूरी था। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था। वैसे जब मैं आपको मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पर और भी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। कई सारे मॉडल हैं, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, कि हमारा जो सेल, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो मोज़ेक के फॉर्म में पाई जाती है। मतलब इस तरीके से उसका लेयर है, तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फिर और लिपिड्स, इस तरीके से एक मोज़ेक के फॉर्म में एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स्ड होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बेसिकली जो मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है यही है, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप सिंपल वे में भी बना सकते हैं, इस इतने पार्ट को, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर आप नहीं भी बनाते हैं, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बाहर की तरफ, सबसे ये एक लेयर जो है, ये लेयर आप देख रहे हैं, जिसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, राउंड राउंड करके इस तरीके से लेयर दी गई है। इसे हम क्या कहते हैं, लिपिड बाई लेयर, ठीक है। दो लेयर है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तो इसे हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर, ठीक है। और इस पे हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बेसिकली लिपिड की, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो किस 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 लेयर की बनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए लिपिड, प्रोटीन और क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो जो इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं, दो तरीके के पाए जाते हैं। पहला होता है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरी का मतलब होता है जो किनारे पे पाया जाए। तो ये प्रोटीन आप देख रहे हैं कहाँ पाया जा रहा है, किनारे पे पाया जा रहा है। तो इन प्रोटीन को क्या कहा जा रहा है, पेरिफेरल प्रोटीन। और जो बीच में इंटीग्रेटेड हों, धंसे हुए हैं, उन्हें इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन भी दो तरीके से पाए जाते हैं। कुछ लिपिड बाई लेयर में धंसे हुए होते हैं, जिन्हें इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है, और कुछ किनारे पे पाए जाते हैं, जिन्हें पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है।
इनके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये साइटोस्केलेटन की फिलामेंट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं इस तरीके से, ठीक है। प्रोटीन चैनल्स इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन चैनल क्या होते हैं, एक बात आप जानिए कि ये क्या होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से आप समझ सकते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि इन पे कुछ चैनल्स पाए जाते हैं, इन पे कुछ इस तरीके से चैनल्स पाए जाते हैं जो केवल कुछ ही चीज़ों को जाने देते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल में कुछ भी चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। सेलेक्टिवली का मतलब ये सेलेक्ट करके कुछ ही चीज़ों को जाने देंगे, कुछ ही चीज़ों की परमिएबिलिटी रखेंगे, जिस वजह से इन्हें सेलेक्टिव परमिएबल कहा जाता है, ठीक है। और ये आपकी लिपिड बाईलेयर जिसमें फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, ये ग्लाइकोलिपिड्स यानी कि जो लिपिड्स पे आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच होते हैं उन्हें ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच होते हैं उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। तो इस तरीके से दो तरीके के स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर आप और देख सकते हैं, इस तरीके से पाया जा रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी यही चीज़ें बताई गई हैं, ये चैनल प्रोटीन है जो क्या करते हैं, सेलेक्टिवली कुछ ही चीज़ों को सेल के अंदर जाने देते हैं। बाहर की तरफ पेरिफेरल प्रोटीन है, अंदर की तरफ इंटीग्रल प्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल यहाँ से अटैच है, जो प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट जो आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लिपिड से अटैच है उन्हें ग्लाइकोलिपिड कहा जा रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रोटीन से अटैच है उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहा जा रहा है। यहाँ पे एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में दिखाया गया है, ये प्रोटीन से अटैच है तो इसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, इसे आप तब आपने ग्लोबुलर प्रोटीन अल्फा हेलिक्स प्रोटीन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन के टाइप दिए गए हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करें तो ये आउटर मोस्ट इनवेलप लाइक मेम्ब्रेन होता है। आउटर मोस्ट इनवेलप का मतलब ये आपकी सेल हो गई, ठीक है। सेल में, प्लांट सेल में तो सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में सबसे बाहर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाया जाता है, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि सराउंडेड करती है सेल को, उसके आर्गेनेल को, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर बात की जाए लिविंग सेल में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन करता है बाउंड्री की तरह। बाउंड्री जैसे आप घर के चारों तरफ बाउंड्री लगाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि जो भी सामान आप अंदर रखें वो सेफ रहे, उसी तरीके से ये भी सेल की तरह बाउंड्री की तरह काम करता है, ताकि जो सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर प्रेजेंट है वो सेफ रहें। सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि केवल कुछ ही जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं, जो इनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उन्हीं को, ये कुछ ही आयंस को, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को, कुछ ही चीज़ों को उसके अंदर जाने देंगे और उसके बाहर आने देंगे। एंट्री और एग्जिट जो होगी सेलेक्टिव चीज़ों की होगी, ना कि चाहे जो चीज़ चली जाए चाहे जो चीज़ चली आ जाए। तो इस वजह से क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कनेक्टिव सिस्टम की तरह वर्क करता है, ठीक है। कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, सेल के बीच में और उसके एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। सेल है, ये आपका एक सेल है, मैं यहाँ एक डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। ये आपका सेल है, सेल के अंदर ये आपके कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ये क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इसे क्या कहते हैं कि ये कनेक्शन की तरह वर्क करता है सेल और उसके ऑर्गेनेल के बीच में। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा लिपिड हो गया, तीसरा प्रोटीन हो गया। सबसे बल्क में इसमें जो पाया जाता है वो होता है लिपिड, और लिपिड बाई लेयर में पाया जाता है। एक एक करके हम इन चीज़ों को भी जानेंगे कि किस तरीके से ये पाया जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल के लेक्चर में हम जानेंगे कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से पाया जाता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये दो चीज़ें हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आशा करती हूँ कि ये जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ें मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।